हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम सोमन, मैं शोभू। हम लोग फिर से आ गए। तो आज सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा नजर आ दोस्तों। अटलांटिक ओशन और ये हैलिफैक्स मेरे घर से बस कितना दूर है, 15 मिनट का ड्राइव है। और पूरा ये ओशन है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। हम लोगों ने अपना गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया और गाड़ी के अंदर मेरे बच्चे स्नैक्स खा रहे हैं। और हम लोग सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूँ कि वन मोर रीज़न आपको कनाडा में नोवा स्कोशिया में क्यों आना चाहिए। इतना बढ़िया खूबसूरत जगह दोस्तों, आपको किसी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट आप ड्राइव करो, ठीक है, और पहुंच जाओ कहीं पर भी पहुंच जाओ। इतना बढ़िया यहाँ का नजारा है, सीनिक ब्यूटी यहाँ का इतना अच्छा है दोस्तों, लाइक यू नो, इसको मैं वर्ड में शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो यहाँ का इतना लाइक नो, दिस प्रोविंस इज सो ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, शायद मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग यहाँ पे नोवा स्कोशिया में आए हैं। और यहाँ पे हैलिफैक्स का जो चप्पा है, नोवा स्कोशिया का जो चप्पा है, वो हम लोगों को घूमने का मौका मिल रहा है, राइट। और एक बात, शायद आप लोगों ने अगर कल मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है कि कल का जो टेम्परेचर था, दैट वाज क्लोज टू -30 पे भी मैंने देखा, मैंने अपने मोबाइल पे चेक किया। और अभी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री में है। जस्ट इमेजिन दोस्तों, कल मैं बाहर खड़ा नहीं हो पा रहा था, बहुत सारा लेयर्स लेके मैं खड़ा होके मैंने आप लोगों को वीडियो दिया कि कितना खर्चा होता है, राइट, मिनिमम जो भी विंटर के लिए जो भी आप खरीदते हो उसके लिए कितना खर्चा होता है। और आज हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं लिटरली, राइट। यहाँ पे वेदर बहुत फ्लक्चुएट करता है, कल एक और आज एक, और शायद कल भी और कुछ और सनी डेज देखने को मौका मिले, हम लोगों को पता नहीं होता है। हम लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप वेदर ऐप अगर आप उसको फॉलो भी करोगे तो शायद 80% तक आपको एक्यूरेट यहाँ का इन्फॉर्मेशन देगा, 20% आपको गेस करना पड़ेगा। जैसे आज बारिश नहीं था बिल्कुल, लेकिन अभी अभी बारिश हुआ है, बारिश शुरू हो गया, अभी भी बारिश हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग खड़े हैं। लेकिन बारिश हो रहा था, अभी पूरा क्लाउडी हो गया, अभी पूरा ये ओशन के बगल में हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा नजारा है, ऊपर पूरा क्लाउडी हो गया, ज्यादा दूर नहीं आए। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, छोटे 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 छोटे, आप जिस कॉर्नर में चले जाओगे, हैलिफैक्स में या इस प्रोविंस में, नोवा स्कोशिया में, कहीं पर भी छोटे छोटे जगह है, बहुत सारी जगह है, आप जाके एक एक दिन आप एक्सप्लोर कर लो। मुझे तो अभी वहाँ पे नीचे जाना है, देखिए वहाँ पे वेव दिख रहा है और नीचे ट्रेल भी है, आप वॉक करके जा सकते हो। अगर मेरे बच्चे जाएगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन आई डोंट नो कि ये लोग इतना वॉक करेगा नहीं करेगा। बट द रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग कि देखो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस प्रोविंस का, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ठीक है। मैं जब 4 साल में जब टोरंटो में, देखिए मैं मेरा वीडियो का जो मतलब होता है वो है कि हम लोगों को जो भी प्रैक्टिकल फीलिंग्स होता है, राइट, रिगार्डिंग हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया, जो हम लोगों को लगता है वो हम लोग शेयर करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक नो दिस इज़ द बेस्ट प्रोविंस इन कनाडा, ऐसा नहीं है कि कनाडा पूरा कनाडा ही बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, सभी सिटी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो खासियत है कि यहाँ पे आके ना आपको बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल, हाँ। अगर आपका दोस्त नहीं है यहाँ पे, मान लो अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है, अगर आपका कोई इफ यू डोंट नो एनीवन, ठीक है, और अगर आपको मान लो कलीग भी अगर उतना ज्यादा नहीं है। देखिए जैसे मैं अभी रिमोट वर्किंग करता हूँ घर से बैठ के, और मैं जिन लोगों से काम करता हूँ दे आर ऑल फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है, हैलिफैक्स में कोई नहीं है, तो लिटरली आई एम अलोन हियर। बट आई नेवर फील कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, ऐसा कभी फील नहीं होता मुझे, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा नेचुरल ब्यूटी, इतना अच्छा है। आप घर से 10-15 मिनट के लिए आप निकल जाओ, आपकी दिन भर आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है या जो भी है, राइट, वो सब निकल जाता है। आप सोचो ना दोस्तों, आप अगर ऐसे ये जो जगह जहाँ पे, देखिए ये जो जगह में हम लोग खड़े हैं, ये कोई बहुत फेमस कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामने एक चेयर भी रखा है, ठीक है, उस कुर्सी पे अगर आप बैठते हो 10-15 मिनट, सोमो क्या बोलती हो, कैसा लगेगा? चलो बैठ के दिखाते हैं। अगर हम लोग, चलो मेरी वाइफ जाती है, हम लोग भी जा रहे हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठेंगे, लाइक यू नो, आपका दिन भर का जो थकान है, राइट, आपका दिन भर का जो भी स्ट्रेस आप लेते हो या जो भी, व्हाटएवर इट इज,
आप पूरा आप रिफ्रेश हो जाओगे। आप सोचो ये जो सिचुएशन, ये जो जगह, ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी पे अगर मैं बैठता हूँ, तुम बैठो यहाँ पे और मैं अपने फ्रेंड को दिखाता हूँ, देखिए जस्ट यहाँ पे आके आप अकेले अपने वाइफ के साथ अपने जो भी है, राइट, उधर भी, उधर भी एक है, उधर भी और एक भी है, नीचे बहुत सारी कुर्सी है वगैरह है, आप बैठ के फोटो खींचा सकते हो, कितना खूबसूरत सा जगह। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई किसी बात का डर नहीं है कि यहाँ पे कोई आएगा आपको लूटपाट कर लेगा या यू नो लाइक एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, राइट। इंडिया में क्या होता था कि अगर हम लोग ऐसे बहुत सुनसान एरिया में आके जाते थे, रिमोट एरिया में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा सा डर लगता था, राइट। अगर आपके साथ फैमिली है तो थोड़ा सा डर लगता था। यहाँ पे ट्रस्ट मी फ्रेंड, आपको थोड़ा सा भी किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं। आप किसी भी जगह पे जाओ, आराम से आप एंजॉय करो, बस याद रखो ब्लैक बियर ना आ जाए। लेकिन इस प्रोविंस में ब्लैक बियर कम है, अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया में ब्लैक बियर बहुत ज्यादा है। हम लोग बहुत बार देखे है बियर, लेकिन यहाँ पे नहीं देखा अभी तक। तो एनीवे, सो माई पॉइंट वॉज लाइक यू नो, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि देखिए टोरंटो में जब हम लोग 4 साल थे और वहाँ पे इतना कड़क ठंड होता है, इतना हार्श वेदर वहाँ पे होता है कि आप विंटर के टाइम पे बाहर लिटरली आप ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाओगे, नो मैटर व्हाट, आप चाहे जितना भी प्रिपेयर हो। देखिए कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो दिया, राइट, यहाँ पे हैलिफैक्स में कल -40 के आसपास जो वेदर हुआ था, तो मैंने जो वीडियो दिया एंड आई वॉज कम्फर्टेबल अप टू मे बी 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है। और मैंने अपने बच्चों को भी मैंने मना कर दिया कि कार से तुम लोग मत निकलो, यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। लेकिन आज वेदर देखिए, आज ये प्लस में वेदर है, तो मेरे बच्चे भी अगर बाहर थोड़ा इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी डिफरेंस आपको ये कर देगा। क्यों कर देगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। देखिए जब आप अपने कंट्री, अपने देश, राइट, अपने फ्रेंड, आपका जो भी लोकल साइकिल, आपका जो भी है, लाइक यू नो आपका जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से निकल के आप जब एक नए कंट्री में आते हो, पहले पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। पहला 1-1.5 महीने आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ रहेगा कि आप फॉरेन में आए हो, लाइक यू नो इतना पॉल्यूशन नहीं है, इतना साफ सुथरा है, लाइक यू नो एवरीथिंग इज वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, और जब आप घर से नहीं निकल पाते हो, लाइक नो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अगर आप घर से निकलने के बाद ही आपको बहुत ठंडा लगता है, अगर आप अनकम्फर्टेबल होते हो, देन यू कैनॉट एन्जॉय आउटडोर। और अगर आउटडोर अगर आप इन्जॉय नहीं करते हो और ऐसे क्लाउडी वेदर, देखिए मेरे देश में सबसे बड़ी बात है, हम लोग गर्म कंट्री से, लाइक नो इंडिया इज़ वेरी हॉट, राइट, और वहाँ पे इतना ज़्यादा सानी होता है, हम लोग सूरज देख देख के हम लोग छत पर निकलते हैं कि यार इतना सानी है हम लोग, लेकिन धूप में, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होता है, और यहाँ पे धूप देखने के लिए लोग तरसते हैं कि धूप कहाँ है, धूप कहाँ है। तो ऐसे वेदर में, खास करके विंटर के टाइम पे, अगर आप घर पे रहते हो बहुत दिनों तक या बहुत ज़्यादा टाइम तक, राइट, या लेकिन टोरंटो में तो ऐसा भी है कि लेकिन रेंट इतना ज़्यादा है, लोग आजकल बेसमेंट में भी रहते हैं, राइट, तो बेसमेंट है बेसिकली, लाइक नो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे बेसमेंट बोलता है, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो ग्राउंड के नीचे होता है, 70% ग्राउंड के नीचे होता है, 30% ऊपर होता है। तो ऐसे में अगर आप रहते हो विथ योर फैमिली, यू आर लिटरली सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ, यू आर लाइक नो कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होता है ना, वो थोड़ा सा वो डिप्रेशन आ जाता है, लेकिन मैंने तो बहुत बुरा लगता है, एक टाइम के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा और अच्छा भी नहीं लगता। ये बहुत देखिए, ये हम लोगों ने फील किया दोस्तों। देखिए मैं टोरंटो में जब मैं जाता था, मैं डाउनटाउन में काम करता था, राइट, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे छोटा था उस टाइम पे, काम नहीं करती थी और दिन भर घर में होती थी, राइट, और दिन भर घर में होने के बाद जब मैं ऑफिस से लौटता था, मैं भी थोड़ा सा टायर्ड होता था, मुझे उतना लेकिन उतना तो एनर्जी नहीं होता था कि कुछ करूँ, और ये जो है बच्चे को दिन भर संभालने के बाद, घर का काम करने के बाद ना, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। तो मैं आई कैन फील लेकिन मैं भी इसको टाइम नहीं दे पाता था, कितना टीवी देखेगी यार, कितना अपने मम्मी से कितना बात करेगी इंडिया में यार, लेकिन व्हाटएवर वी डू, तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर नहीं निकलते हो, अगर आप लोगों से बात नहीं करते हो, अगर आप जो भी लाइक ना लोकल आउटसीन जो भी है वो अगर आप एंजॉय नहीं करते हो, तो आप उस जगह पे बहुत दिनों तक टिकने नहीं वाले हो दोस्तों, आप नहीं टिक पाओगे, आपको लगेगा लाइक नो आप अपने कंट्री में सही थे, आप अपने घर में सही थे, आप अपने जगह में सही थे, और यहाँ से नेगेटिव थॉट आना शुरू होता है लोगों के अंदर। और ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा जो वर्क परमिट में यहाँ पे आया था, उसके बाद आफ्टर स्टेइंग हियर फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर दे जस्ट वेंट बैक, लाइक नो जिन लोगों को ज़्यादा
यू नो होता है राइट, कुछ लोगों को होता है कि लाइक ना पैसा उतना जरूरी नहीं होता ऐसा है लाइक ना बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड एंड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर। अगर ऐसा नहीं है उन लोगों का तो वो लोग क्या करते हैं, दे प्रेफर टू लाइक नो स्टे इन इंडिया और वो लोग चले जाते हैं एंड ऑब्वियसली दे डोंट रियलाइज लाइक ना व्हाट काइंड ऑफ फन और व्हाट काइंड ऑफ लाइक नो एनवायरमेंट दे आर मिसिंग। और इंडिया में जाने के बाद एक साल दो साल के बाद लोग फिर से मिस करना शुरू करते हैं यार लाइक नो हम लोग वही पे अच्छे थे। तो यहाँ से बहुत लोग क्या होता है कि वो गलत डिसीजन ले लेते हैं कि डिप्रेस होने के बाद और अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ का जो भी अच्छा ही है वो उसको अच्छा नहीं लगता। इसका रीज़न साइकोलॉजिकल है। अगर आप खुद घर में 7 दिन बैठे रहो, आप बाहर मत जाओ, किसी से बात मत करो, आप लोकल जो भी सीनरी है वो इन्जॉय मत करो, आप भी डिप्रेशन के जो भी है लेकिन वो होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस प्रोविंस नोवा स्कोशिया में। आपको घर में रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना मक्खन वेदर है और यहाँ का नेचुरल ब्यूटी इतना ज़्यादा यहाँ पे है कि आप अपने फैमिली के साथ बस निकल जाओ, आप वॉक करो, थोड़ा सा रनिंग करो, जो भी करो आप, या तो आप अगर मेरे ऐसे लेजी इंसान हो आप ऐसे कुर्सी में आके बैठ जाओ और थोड़ा समुंदर का मजा लो, या लेकिन जो भी प्रोविंशियल पार्क है, जो भी छोटा छोटा जो भी पहाड़ है आप उसका मजा लो, आप बैठ के मजा लो, आप दिन भर सोचो अपने लाइफ के बारे में, सोचो जो भी आपका पॉजिटिव मोमेंट्स है उसके बारे में सोचो, एवरीथिंग गुड लाइक नो। आपका जो दिल है ना, मुझे ऐसा होता है राइट, जब भी मुझे ऐसा होता है मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ एक जगह पे 10 मिनट 15 मिनट और मैं बस नेचर का आनंद लेता हूँ, मेरा दिल एकदम पूरा एकदम यंग हो जाता है। अभी देखिए 3-4 गाड़ी यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, देखिए 5 गाड़ियाँ हो गई, जल्दी से लोग आ रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आप चले जा रहे हैं दूसरे जगह। तो इतना खूबसूरत है ना नोवा स्कोशिया, बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग आओ मजे करो और बाहर घूमो, बाहर अगर आप निकलो हाँ आप एंजॉय करो दोस्तों, आपको एंजॉय देखिए बहुत बोरिंग लगता है। अगर आप फॉरेन आ रहे हो राइट लाइक व्हाट एवर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, विजिटर वीजा पे आ रहे हो, वर्क परमिट में आ रहे हो, पीआर लेके आ रहे हो, जो भी आ रहे हो राइट, पहले उस जगह को आप एंजॉय करो दोस्तों, उस जगह को प्यार आपको प्यार हो जाएगा उस जगह से। देखिए आई जस्ट लाइक नो देखिए आई डोंट नो मेरा कैमरा आपको कितना जस्टिफाई कर रहा है इस जगह को, अगर मैं थोड़ा सा और नीचे तो थोड़ा सा ब्लैक आइस है, यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्लैक आइस भी है क्योंकि कल बहुत स्नोफॉल हुआ था और आज रेन हो गया, बारिश हो गया राइट, इसके बाद वो ब्लैक आइस बन जाता है। एनीवे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा, इसे कैमरा लेके हम लोग नहीं जा सकते, बट दैट वॉज माई पॉइंट कि अगर आप कैनेडा आते हो सीरियसली यू शुड कंसिडर नोवा स्कोशिया। सोचिए गूगल में बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, आप उनको आप रिसर्च कीजिए एंड मे बी लाइक यू नो यू कैन स्टार्ट योर कैनेडियन जर्नी और यू कैन स्टार्ट योर कैनेडियन ड्रीम फ्रॉम दिस प्लेस। आप यहाँ पे आओ, एक साल दो साल आप रहो, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो भी है लाइक में उसके साथ आपका एक आदत हो जाएगा राइट इस चीज़ों के साथ, उसके बाद यू कैन मूव टू एनी वेयर लाइक नो टोरंटो वैनकूवर एनी वेयर यू कैन मूव। बट मैं रियली बोलूँगा यू शुड रीथिंक एंड यू शुड रिकन्सिडर कि आपको नोवा स्कोशिया क्यों आना चाहिए, खास करके हैलिफैक्स आपको क्यों आना चाहिए, क्या बोलती हो तुम और कुछ नहीं आप थोड़ा हम लोग वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, कितना खूबसूरत सा जगह लग रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड देखते रहिए और अच्छा लगेगा तो प्लीज गिव अस अ थम्स अप ओके प्लीज एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारा वीडियोस लेके आने वाले हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ देखिए मेरा जो ब्लॉग्स है दैट इज़ नॉट ओनली कैनेडियन इमिग्रेशन तो बोलूँगा ही मैं, उसके साथ कनाडा का जितना भी पॉजिटिव है इवन नेगेटिव है जो भी हम लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है विद कनाडा विल शेयर विद यू गाइज लाइक नो मे बी दैट विल हेल्प यू। हम लोग भी फैमिली है, हम लोगों का भी 2 बच्चे है, तो जो भी हम लोग फेस कर रहे हैं लाइक नो जो भी डिफरेंस हम लोग देखते हैं वो हम लोग आपके सामने लेके आएंगे ताकि लाइक नो आपका जो भी कैनेडियन ड्रीम है या कैनेडियन जर्नी है वो जर्नी स्मूथ रहे, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस ब्लॉग ओके। एनीवे सो गिव अस अ थम्स अप एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।